मैं तुम्हें 5 मिनट में स्पीड ब्रीजिंग सिखा सकता हूँ, और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत जल्दी सिखाने वाला हूँ, ऐसा इसलिए कि स्पीड ब्रीजिंग है ही इतनी आसान। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं और माइनक्राफ्ट खेलते टाइम तुम्हारा एक हाथ माउस पे रहता है और एक हाथ कीबोर्ड पे रहता है। अब ब्रिजिंग करते टाइम तुम कुछ ऐसा करते हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ऐसे तुम एक नूब हो? अच्छा रुको, मैं तुम्हें पहले ये समझा देता हूँ कि स्पीड ब्रिज होता क्या है। ओब्वियसली जब तुम स्लो ब्रिजिंग करते हो तो ब्लॉक प्लेस करने के बाद तुमने देखा होगा कि एक छोटा सा डिस्टेंस होता है जो कि हम लोग शिफ्ट पकड़ के क्रॉस करते हैं। अब स्पीड ब्रिजिंग में क्या होता है, यही जो डिस्टेंस है ये क्रॉस करते टाइम हम लोग शिफ्ट छोड़ देते हैं, और जैसे ही वो डिस्टेंस क्रॉस हो गया तब हम लोग शिफ्ट वापस पकड़ लेते हैं ताकि ब्लॉक प्लेस हो सके। एनीवेज, अब मैं तुम्हें जो मूवमेंट दिखाने वाला हूँ उस क्लिप को बार बार देखना और ऑब्जर्व करना कि मेरी मूवमेंट कैसी है, ठीक है? बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, बस बार बार देखना और प्रैक्टिस करना। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि स्पीड ब्रिजिंग करने का फायदा क्या है, मैं दिखाता हूं। ऑलराइट, कॉन्ग्रेट्स, तुमने सीख ली स्पीड ब्रिजिंग, लेकिन इसमें टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में। तो जब तक तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और सीख रहे हो, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉर्मल ब्रिजिंग करके बहुत सारे बिट बॉस के मैचेस जीतने वाला हूँ, एंड वो भी एरे गैरे लोगों के साथ, नहीं हाई पिक्सल पे। सो टू वॉच दैट वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर। बाय द एंड ऑफ मे मुझे एक बिट बॉस टूर्नामेंट होस्ट करना है जिसके लिए मुझे लोग चाहिए, एटलीस्ट 10। तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, यू कैन डेफिनेटली बी वन ऑफ देम। एनीवेज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।